एक पैक दारू फ्री करके तो मनीष सिसोदिया को जेल में करवा दिए केजरीवाल जी ने, और इतना घोटाला कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें बीजेपी जीने नहीं दे रही है। अनपढ़ देश के प्रधानमंत्री, अबे अनपढ़ तो तुम्हारे मंत्री है मनोज सिसोदिया अनपढ़, जो दे एक पैक दारू जो बिचार। सरकार मोदी का ही रहेगा। अच्छा, ये हम भी जानते हैं कि मोदी का ही रहेगा रहेगा, क्योंकि मोदी कुछ ऐसा काम भी किया है, हाँ। पढ़े लिखे नौजवान के लिए भी किया है, जो अनपढ़ है उनके लिए भी किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया है। मोदी अच्छा ही कर रहा है और अच्छा ही करता रहेगा जहाँ तक भविष्य की बात है। विश्व की महाशक्तियाँ जो है, अमेरिका हो चाहे रशिया हो, एक दूसरे को होड़ लगी हुई है कि मोदी जी मेरे हमारे दोस्त हैं, इंडिया हमारा दोस्त है, फ्रेंड है। आई नो वट मैम कहना चाहूँगा कि गठबंधन से हमारे हिसाब से इस सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, बीजेपी सरकार को गठबंधन से कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के हित में है वोट और जनता देख रही है मोदी के काम, या अगर अदर स्टेट में ले लें, हमारे उत्तर प्रदेश में ले लें, या फिर गुजरात में ले लें, जो भी योगी जी हैं, हाँ डबल इंजन, हाँ ये बात, ये तो ऑफकोर्स ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे हिसाब से जो काम चल रहे हैं वो नीयत में है, हमारी आर्मी डिफेंस लगातार और राफेल और भी चीज़ें बहुत, मेडिकल साइंस एयरफोर्स में जो भी दे रहे हैं लगातार वैकेंसी, और SSC वैकेंसी दे रहा है, इससे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार को कोई गिरा पाएगा, चाहे गठबंधन कितना भी बड़ा हो जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बिहेव हो रहा है बढ़िया, और उससे और बताइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ भी जाते हैं सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए उतावले हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टर आएंगे, प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि हमारे देश में आ जाओ, इंडस्ट्री लगाओ, हमारे यहाँ काम करो, ऐसे क्या लगता है आपको? जो मित्रता बढ़ी हुई है, जो मित्रता बढ़ी है हमारे देश की अन्य देशों से, तो इससे लगता है कि हमें भी जो मोदी जी जाते हैं बाहर विदेशों में अपनी फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए बिहेव उनका लगता है, तो उनके बिहेव से देखा जाता है, तो विदेश के भी प्राइम मिनिस्टर CM प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि हम भी एक बार इंडिया जाके देखते हैं क्या स्थिति है, क्या भौगोलिक है, और इंडिया की जनता से मिलना चाहते हैं, तो ये स्थितियाँ हैं। और लगातार जो आप बिहेव कर रहे हैं, जैसे फ्रेंडशिप है, हम आपको बताएंगे, जैसे मोदी जी हैं उनका बिहेव अच्छा है, विदेशों में जा रहे हैं, संबंध अच्छे कर रहे हैं, आपातकालीन स्थिति में कोई भी स्थिति में आ जाए तो हमारे साथ बहुत से देश खड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो भी सोच रहे हैं कि हम भी भारत में जाएं, जो हम इससे संबंधता बढ़ा रहे हैं, हम भी तो देखे जा कि इस भारत में क्या है, तो मोदी जी ये कोई अच्छी बहुत अच्छी बात है। जो विदेशों से आते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा देश है, लगातार भी वो उन्नति हो रही है, इसीलिए। लेकिन देश का विपक्ष जो है नहीं मान रहा इस बात को, वो कहता है कि देश जो डुबा दिया है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरी संवैधानिक संस्था तानाशाह बनने वाले हैं, मोदी जी अगर जो है तीसरी बार अगर जो है सत्ता में आ गए तो देश का संविधान ही बदल देंगे, ऐसे जो है रूमर फैलाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है क्या, लोकतंत्र कुछ खतरे में लगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे अब अपना अपना, जैसे हमारी पार्टी है अन्य पार्टी है, तो अपना दबाव बनाने के लिए कहेंगे, चाहे उसका एक वोट हो, वो तो कहेंगे कि इस बार हम सपा बनेगी या गठबंधन से कांग्रेस बन जाएगी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और सबसे बड़ी बात है जनता खेत में वोट है, जनता जिसको चाहेगी वो चुना जाएगा। आपका क्या कहना है कि 2024 जब आने वाला है, जैसे मोदी जी की सरकार को कह रही है, पूरा विपक्ष जो है एक गठबंधन तैयार कर रहा है, कहना बाहर करना है इनको सबको मिल करके, तो क्या लगता है कि जितना भी जो हमारे देश का विपक्ष है वो एक जुट होकर के मोदी जी को कौन टक्कर दे पाएगा? सरकार मोदी का ही रहेगा। अच्छा, ये हम भी जानते हैं कि मोदी का ही रहेगा रहेगा, क्योंकि मोदी कुछ ऐसा काम भी किया है, हाँ। पढ़े लिखे नौजवान के लिए भी किया है। अच्छा। जो अनपढ़ है उनके लिए भी किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया है, और जहाँ तक है मोदी अच्छा ही कर रहा है और अच्छा ही करता रहेगा जहाँ तक भविष्य की बात है। और केजरीवाल का सवाल रहा तो ये भी आपको पता है, केजरीवाल साहब कोई काम का नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ देखिए ऐसा तो है कि पहला तो बात ये है कि आप यह दिल्ली के क्षेत्र में अशोकनगर रोडे को देख लीजिए, क्योंकि वो तो नज़र आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे बात है कि केजरीवाल जो है यहाँ बिल्डिंग वाले को छूट दे दिए हैं कि बिजली बिल कम है, तो बिजली बिल जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या है? सर हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग केजरीवाल जी के लिए, जो एक किराएदार रह रहे हैं दिल्ली में, वो बेचारे बिजली बिल भी भर रहे हैं और पानी का भी बिल भर रहे हैं, पानी का पैसा भी दे रहे हैं, आप ये बताइए सर, एक पैक दारू फ्री करके तो मनीष सिसोदिया को जेल में करवा दिए केजरीवाल जी ने, हैं, और इतना घोटाला कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें बीजेपी जीने नहीं दे रही है। यूपी देखो, यूपी में कितना बाबा ने काम कर रखा है, यूपी चमक रहा है, और योगी जी की बराबरी कर लेंगे ये चोर। वो तो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ देश के प्रधानमंत्री,
अबे अनपढ़ तो तुम्हारे मंत्री है मनोज जसोदिया अनपढ़, जो एक पैक दारू जो बेचारे गरीब पीते थे ना दारू, वो पूरे दिन में चार चार क्वार्टर पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? उनका स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है। लाइट बिजली फ्री करने से किसी इंसान की जिंदगी बन रही है? अच्छा। किराएदार तो बेचारे बिजली बिल भर ही रहे हैं, भर रहे नहीं भर रहे? हम ये कहना चाहते हैं सर, आम आदमी गलत है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल गलत है। गठबंधन बन रहा है मोदी जी को बाहर करने के लिए 2024 में, हाँ। सारे दल मिलकर के मोदी जी को हराना चाहते हैं, तो आप लोग कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री 2024 में बीजेपी जीतेगी, भाजपा ही जीतेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री की तो नहीं मैं कह सकता, मोदी जी बनेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश से मैं कह रहा हूँ, बाबा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल क्या, केजरीवाल जैसे चार भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश से योगी जी को। प्रधानमंत्री की अभी तो फिलहाल बात हो रही है, जितना शिक्षित आम आदमी ने किया है ना, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं एक क्लास भी, ठीक है? मैं 10th पास हूँ, ठीक है ना? सुनो, दिल्ली के अंदर जितना जो केजरीवाल ने किया है ना, अगर 1% भी अगर बीजेपी ने करा हो ना, तो मैं मान जाऊंगा कि 1% भी बीजेपी ने किया। जितने स्कूल बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सुनो, अब प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री केजरीवाल जी बन जाएंगे? नहीं, वो उनको नहीं चाहिए, उनको जैसा जो उनको पोस्ट मिली हुई है वो उसी में नहीं कहने से थोड़े वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, देश में जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री 2024? देखो, अभी तो मैं यही चाहूंगा कि बीजेपी ही आए 2024 में, भाजपा आए। अभी तो बीजेपी ही आए, क्यों इस वजह से, क्योंकि राष्ट्रीय सभी काम जो देखे जा रहे हैं बीजेपी अच्छा कर रही है, इसी वजह से लोग आकर्षित हो रहे हैं और देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका फोकस है प्रधानमंत्री को। अच्छा काम कर रहे हैं, चाहते हैं। अभी दिल्ली में एक लड़की का हत्या हुआ है, इतने बुरे तरीके से हत्या हुआ है, अगर वो हत्या अगर यूपी में होता ना, तो अभी तक बाबा ना उसे पर लोग भेज दिए होते। मगर केजरीवाल जी ने क्या किया उस लड़के को, बेहिसाब पब्लिक देख रही, 50 रोड पे चल रही है और लड़की को जान से मार दिया, और ईंट मार के उसे मार दिया जान से। केजरीवाल जी ने क्या बयान दिया, यूपी में अगर वो कांड हो जाता तो बाबा बकस देते? नहीं बकसते ना। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं दिल्ली में, यूपी में बीजेपी के शासनकाल में? तो बताओ, दिल्ली में तो केजरीवाल आना चाहिए बस। क्यों? हाँ, केजरीवाल अच्छा काम करता है नू। मोदी जी अभी गया कई बार और आना भी चाहिए। मोदी जी के काम कैसे लगते हैं? बस मोदी जी क्या कहें, सुधरे को छोड़ो, ठीक है, इसके काम अच्छे नहीं लगे हमें। मायावती राज करे, अखिलेश यादव राज करे, मुलायम सिंह राज करे, ये राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया अगर इतने बड़े हिंदू थे तो?